वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। सोना, जिसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती हैं, जिसके नाम से इंसान पिघलने लगता है, जिसकी दीवानी सारी दुनिया रही है। धनतेरस पर इस पीली चमकीली धातु को हर इंसान खरीदना चाहता है। आज हम आपको सोने से जुड़े ऐसे 10 फैक्ट बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आयकर नियमों के अनुसार अगर कोई गोल्ड कहां से आया है, इसका वैलिड सोर्स या प्रूफ है, तो वो घर में जितनी मर्जी उतना सोना रख सकता है। लेकिन अगर कोई बिना इनकम सोर्स बताए घर में सोना रखना चाहता है, तो इसकी एक लिमिट है। नियमों के तहत विवाहित महिला घर में 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष केवल 100 ग्राम सोना बिना इनकम प्रूफ दिए भी रख सकते हैं। तीनों कैटेगरी में तय सीमा में सोना घर में रखने पर आयकर विभाग सोने के आभूषण जब्त नहीं करेगा। पृथ्वी पर मौजूद लगभग सारा सोना उल्कापिंडों के जरिए धरती पर पहुंचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उल्कापिंडों की ये बमबारी धरती बनने से 20 करोड़ साल पहले हुई थी। सोने पर हवा, पानी और किसी तेजाब का असर नहीं होता है। सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर बने अम्लराज में सोना गल जाता है। अगर आपको लगता है कि सोने के सिर्फ जेवर बनते हैं, तो ये गलत है। आधे से ज़्यादा सोने के जेवर नहीं बनते। करीब 48% सोने के जेवर बनते हैं। 29% के करीब इन्वेस्टमेंट में रहता है। करीब 15% केंद्रीय बैंकों के पास, 7.5% के गैजेट्स या माइक्रोचिप हैं। सोने को जितना पीटोगे, जितना खींचोगे, उतना ही कम है। यानी 1 ग्राम सोने को कूट कर आप 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़े वर्क में बदल सकते हैं। हमारे घरों में अमेरिका के सरकारी खजाने से 3 गुना ज्यादा सोना है। भारतीयों ने अपने घर में 25,000 टन सोना जमा कर रखा है। भारत के मंदिरों में 4,000 टन से ज़्यादा सोने के भंडार हैं। हर राज्य में कई मंदिरों में बड़ी मात्रा में सोना चढ़ाया जाता है। सोने में दुनिया की स्मगलिंग में भारतीय नंबर 1 पर है। भारत में हर साल करीब 300 टन सोना अवैध रूप से लाया जाता है। दुनिया में लोगों के पास सोने की बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। सऊदी के राजकुमार तुर्की बिन अब्दुल्ला साउद के पास गोल्ड प्लेटेड बेंटले कार है। उन्होंने अपनी बेटी को सोने का टॉयलेट गिफ्ट किया था। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।